हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैकगाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किडनैपिंग और एबडक्शन के बारे में, जिसके बारे में इंडियन पिनल कोड बात करता है। इसमें हम सेक्शन 359 से 363 तक कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले तो हम किडनैपिंग और एबडक्शन का मतलब समझते हैं। तो किडनैपिंग का मतलब है किसी पर्सन को ले जाना या उसको एंटाइस करके ले जाना इस इंटेंशन के साथ कि उसको उसके विल के अगेंस्ट में डिटेन किया जा सके। और ये इसलिए की जाती है ताकि कोई रैंसम कलेक्ट किया जा सके। ये ए ने बी को किडनैप कर लिया ताकि वो बी के घर वालों से कुछ पैसे जो है मांग लेगा इसके बदले में, या फिर किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती है। वहीं जो एबडक्शन है वो एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिसमें किसी पर्सन को टेक अवे किया जाता है परसुएट करके, फ्रॉड से, या फिर फोर्स या वॉयलेंस का इस्तेमाल करके। लेकिन जो किडनैपिंग है उसमें जो मींस यूज़ किए जाते हैं वो इतने मैटर नहीं करते, लेकिन अबडक्शन में जो है जो मींस होते हैं वो मैटर करते हैं। जो मेन इसके मींस हैं वो हुआ फोर्स, कंपल्शन, डिसीटफुल मैनर, या फिर पर्सुएशन, वॉयलेंस एक्सेट्रा। अब इसको हम आईपीसी के सेक्शन से पढ़ते हैं। तो जो आईपीसी का सेक्शन 359 है वो बात करता है कि किडनैपिंग जो है दो तरीके की होती है। पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब जो अगला सेक्शन है वो डिफाइन करता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेक्शन 360 आईपीसी का किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को डिफाइन करता है। सेक्शन 360 कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर कन्वे किया जा रहा है, कन्वे का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बाहर, इंडिया से इंडिया के बाहर कहीं लेके जा रहा है बिना उस पर्सन की कंसेंट के, जिसको लेके जाया जा रहा है उसकी कंसेंट नहीं ली गई है, या फिर किसी लीगली ऑथराइज्ड पर्सन जो ऑथराइज्ड है उस पर्सन के लिए कंसेंट देने को, उससे कंसेंट नहीं ली है, तो इस केस को किडनैपिंग कहा जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडिया की लिमिट के बाहर ले जाता है तो उसको इस सेक्शन के अंडर में कन्विक्ट कर लिया जाएगा। फर्दर ये मैंडेटरी नहीं है कि जो पर्सन है उसको अगर इंडिया के बाहर ले जाया जा रहा है तो जो उसकी डेस्टाइन लोकेशन है वो वहाँ पे पहुँचता है या नहीं। उसको अगर कहीं भी पकड़ लिया जाता है इंडिया के बाहर में तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, उसको इस सेक्शन के अंडर में कन्विक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसको बाउंड्री क्रॉस करने से पहले ही पकड़ लिया, यानी वो इंडिया की जो लिमिट है उसके बाहर नहीं गया है, उसको पहले ही पकड़ लिया गया है, तो फिर उस पर इस केस में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट कर लिया जाएगा कि उसने अटेम्प्ट किया था किसी पर्सन को किडनैप करने का फ्रॉम इंडिया। अब सवाल आता है कि इंडिया की जो लिमिट है वो क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है। तो सेक्शन 18 जो है आईपीसी का वो डिफाइन करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया को, जिसमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन जब अब 370 एब्रोगेट हो चुका है तो अब जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया था अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे भी जो सेंट्रल लॉज है वो एप्लीकेबल होता है, तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भी इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगा। तो इन जनरल 360 कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को टेक अवे किया जा रहा है इंडिया की टेरिटरी के बाहर बिना उसकी कंसेंट के, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो लॉफुली ऑथराइज्ड है उसका गार्जियन बनने के लिए उसकी कंसेंट के बिना ले जाया जा रहा है इंडिया की बाउंड्री के बाहर, तो फिर ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगा। इस केस में जो एज है वो मैटर नहीं करती, यहाँ पे मेजर और माइनर ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 361 डिफाइन करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को। तो अगर कोई पर्सन किसी मेल जिसकी एज 16 ईयर्स से कम है, या फिर किसी फीमेल जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, या फिर किसी अनसाउंड पर्सन को लेके जाती है बिना लॉफुल गार्जियन की कंसेंट से, तो
इस केस को किडनैपिंग कहा जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। 361 का एक्सप्लेनेशन लॉफुल गार्जियन को एक्सप्लेन करता है, जिसमें कहा है कि किसी भी माइनर को या अनसाउंड पर्सन की जो कस्टडी है, किसी ऐसे पर्सन को लॉफुली इंट्रस्ट की गई है तो वो भी उसका लॉफुल गार्जियन होगा। यानी अगर किसी के किसी छोटे बच्चे की कस्टडी जो है ड्राइवर को दी गई है कि हाँ तुम इसको बाजार से लेते आना, तो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो लॉफुल गार्जियन कहलाएगा। 361 का एक्सेप्शन कहता है कि ये जो सेक्शन है उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जिस केस में किसी पर्सन को लगता है गुड फेथ में कि वो इस एलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर है, या फिर वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो इस चाइल्ड की लॉफुल कस्टडी के लिए इंटाइटल है। तो इस केस में जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस ये प्रूव कर दिया जाए कि जो ये एक्ट है वो इमोरल या अनलॉफुल पर्पस पे कमिट किया गया है। यानी ये जो सेक्शन है वो उन लोगों पे अप्लाई होगा जो लोग लीगली ऑथराइज नहीं है अपनी कंसेंट देने के लिए। यानी किसी माइनर के किडनैपिंग के केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा, और इसमें जो माइनर की एज रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन में ही डिफाइन कर दी गई है कि मेल के लिए जो एज है वो 16 ईयर्स होगी और फीमेल के लिए 18 ईयर्स एज होगी। सेक्शन 363 किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेक्शन 363 में कहा है कि किसी भी पर्सन को अगर किडनैप किया जा रहा है फ्रॉम इंडिया या फिर फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट से, जो कि सिंपल इम्प्रिजमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कोई भी हो सकती है, और जिसका जो टर्म है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 ईयर्स तक के लिए, और साथ में फाइन भी उस पर लगेगा। सेक्शन 362 अबडक्शन के बारे में बात करता है। अगर किसी पर्सन को जबरदस्ती कंपेल करके या फिर फ्रॉड से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इस केस को अबडक्शन कहा जाता है कि उस पर्सन को अबडक्ट कर लिया गया है। अबडक्शन के केस में इंटेंशन जो है वो मेन है। अगर किसी भी पर्सन को किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कहीं ले जाया जाता है तो उस केस में अबडक्शन जो है एप्लीकेबल होगा। अबडक्शन के केस में कोई एज लिमिट नहीं है, ये सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा चाहे वो मेजर हो या फिर माइनर। यानी अगर किसी भी पर्सन को क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जबरदस्ती या फ्रॉड के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाया जाता है तो ये एबडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी ने ए को थप्पड़ मारा और ए से कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा, तो इस केस में बी ने जो है अबडक्शन कमिट किया है। उसने ए पे फोर्सफुल मीन्स अप्लाई किए थे और उसको उसके घर से ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। अब हम किडनैपिंग और एबडक्शन के डिफरेंस को पढ़ते हैं। तो जो किडनैपिंग है उसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 359 में बात की गई है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन 360 जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करता है और सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में बात करता है। वहीं एबडक्शन जो है वो सेक्शन 362 में डिफाइन किया गया है। किडनैपिंग के केस में जो एज है वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन के केस में जो है वो माइनर्स तक के लिए एप्लीकेबल है और अनसाउंड माइंड के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एबडक्शन में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, वो सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है। वहीं किडनैपिंग में कौन से मीन्स अप्लाई किए गए हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। किडनैपिंग के केस में अगर किसी पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन के बिना परमिशन के लेके गए हैं तो वो किडनैपिंग में आ जाएगा, लेकिन अबडक्शन के केस में जो मीन्स इस्तेमाल किए गए हैं यानी फ्रॉड, फोर्स, वॉयलेंस, ये मैटर करता है। वहीं किडनैपिंग के केस में इंटेंशन जो है उसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अबडक्शन में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन को किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ ले जाया गया है तभी वो अबडक्शन कहलाता है। किडनैपिंग जो है एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है और इसको 363 में पनिशेबल किया गया है, लेकिन अबडक्शन के केस में ऐसा नहीं है। अगर जब तक अबडक्शन जो है क्रिमिनल इंटेंशन के साथ ना किया जाए उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जान लिया कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन है वो एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।